Hi, I am Aparna Chakravarti and I'm here to be a part of our program, Festivals of Incredible India. That India is a land of festivals. We have festivals for each and every month almost. We celebrate different festivals with same pleasure and joy. But Diwali is somehow the biggest festival of Hindu religion that is celebrated by both Hindus as well as non-Hindus throughout the country with same joy and happiness. Diwali is celebrated every year 20 days approximately after celebrating Dashera. It falls in the month of October or November sometimes. That is the Kartik Amavasya as per Hindu calendar. Diwali is the festival of lights. On this day, we can see all the streets and houses glimmering and twinkling with lights. The Diwali preparation starts 1 or 2 weeks earlier to the actual date of festive day. People decorate their house with decorative bulbs, candles, lights, rangolis, colorful drawings, alponas, and they clean their shops, house, and workplace. It is believed that on the day of Diwali, Goddess Lakshmi visit us and shower our blessing. There is a big reason to celebrate Diwali, as on this auspicious day, Lord Ram along with Sita Mata and his brother Lakshman came back to his home, that is Ayodhya, after spending 14 years in exile. At the same time, Diwali signifies the victory of Lord Ram over the demon king Ravana. Some people celebrate Diwali as the birth anniversary of Goddess Lakshmi. They worship Goddess Lakshmi and Ganesh on the evening of Diwali. And in the midnight, some people worship God Kali. दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन छेवें गुरु श्री गुरु हरकिशन साहब जी ग्वालियर किले की कैद से 52 राजाओं को बाहर लेके निकले थे, तो उनके स्वागत में लोगों ने दीपमालाएं की थी। हम गुरुद्वारे जाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं। और घर में बहुत किस्म के पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, और कई हमारे जो पुराने दोस्त यार हैं उनके घर भी हम जाते हैं, वो भी हमारे घर आते हैं और गप्पें शप्पे होती हैं। बस इसी तरीके से हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। सो लास्ट में मैं यही कहूँगा, से नो टू क्रैकर्स, हैव अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली। नमस्कार, मैं सारिका ऑस्टिन टेक्सास से अपने सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अतुल्य भारत का अनमोल पर्व दिवाली, केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में मनाई जाती है दिवाली। मैं जब अमेरिका आई तो मेरे लिए दिवाली का मतलब ही बिल्कुल बदल गया। जब भारत में थी ननिहाल में व्यापारी घर में, वहाँ पर मेरे लिए दिवाली का मतलब नए नए कपड़े, फटाके, मिठाइयाँ, यही हुआ करती थी। व्यापारी घर के होने के कारण घर में वही खाते पूजे जाते थे, तो हम अपना हाथों का छाप वही खाते पे लगा के अपने आप को लक्ष्मी जी समझा करते थे। घर परिवार के बीच में दिवाली कब मनाते गए और कब सीख ली, कब क्या किया, कुछ समझ ही में नहीं आया। कभी कोई चीज़ की कमी लगी ही नहीं, पर जब यहाँ आए
तो हर चीज का डर था, संकोच था कि कैसे मनाएंगे हम दिवाली। पर ये विश्वास था कि जो भी सीखा है वहाँ पर किसी ना किसी तरह से कर लेंगे। कभी कुछ चीज़ें नहीं थी तो कुछ चीज़ें मिली। फटाके नहीं थे, दिए नहीं थे, पर फिर भी हमने दिवाली मनाई। पर आज हम दिवाली अपने घर में इस तरह मनाते हैं कि पूरे घर में साफ सफाई करते हैं ताकि लक्ष्मी जी का आगमन हो सके, सब जगह शुभता हो। घर में रंगोली से, फूलों से और दिए से सजाई जाती है। मिठाई बनानी आती नहीं थी पर मिठाई बनाना भी सीख लिया और दोस्तों के घर मिठाई देने भी जाने लगी। घर परिवार की कमी ज़रूर लगती थी पर वो भी कमी दोस्तों ने पूरी कर दी। तेल के दिए घर में जलाने लगे और बाहर सुरक्षा हेतु टी लाइट कैंडल जलने लग गए। फटाकों की अनुमति नहीं थी तो छोटी छोटी खुशियों में फुलझड़ियाँ ही जला के हमने मना ली दिवाली। तो हमारे लिए US में इसी तरह मनती है दिवाली। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैं अपने भारत से जुड़ी रही, अपनी जड़ों से जुड़ी रही, अपनी संस्कृति से जुड़ी रही, वही मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी दें। इसी के साथ मैं अपने सारे दर्शकों को फिर से वेरी हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। नमस्कार, धन्यवाद। द वे ऑफ सेलिब्रेटिंग एनी फेस्टिवल इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। वी कैन नॉट सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल विद द सेम फीलिंग हैप्पीनेस और सेम रिचुअल्स, बट द वे टू सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल शुड बी ट्रेडिशनल अलॉन्ग विद द एसेंस ऑफ इनोवेशन। We should innovate in ourselves that the festivals that we celebrate should not be confined to our concern and happiness only. We should also think for others. Some people purchase clothes and foods and sweets for the children that many is on road, for the children at orphanage and for the people staying at old age homes. So we should celebrate things in a better and a wide way so as to fill ourselves with love and brighter lights as of Diwali. Wishing you all a happy Diwali. Thank you. Namaste. Stay safe.